Hello, class. In today's lecture, we are going to study about the river engineering. हम लोगों ने इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें जो भी हमारा कंटेंट था रिगार्डिंग कनाल रेगुलेशन वर्क वो हमने सब देख लिया है, और जो हमारा जो हमने लाइन सेक्शन पे न्यूमेरिकल लगाए थे वो भी हमने देख लिया है. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रिवर इंजीनियरिंग के बारे में है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो रिवर इंजीनियरिंग है वो रिवर इंजीनियरिंग हम क्यों पढ़ते हैं, रिवर इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, नेसेसिटीज क्या है उसकी, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है? और कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम जो जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, टाइप है रिवर इंजीनियरिंग का, जो ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में हम जो है सबसे पहले देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिवर जो है हमारा, कि रिवर इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों है हमें. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा रिवर है वो हमारा ओरिजिनेट कहाँ से होता है. रिवर जो है हमारा देखा जाए तो जो भी हमारा माउंटेन है, ठीक है, तो वो हमारा जो माउंटेन्स होते हैं तो रिवर माउंटेन्स के फ्लो के थ्रू जो है हमारा जो भी हमारा माउंटेनियस रीजन है उस माउंटेनियस प्लेन और टेरेन से जो है हमारा फाइनली जो है माउंटेन्स से होते हुए रिवर जो है हमारा ओरिजिनेट होता है, और फिर क्या होता है कि हमारे प्लेन एरियाज में होते हुए और वापस से ये कहाँ पे जाके ज्वाइन करता है, ओशन में ज्वाइन करता है, ठीक है? तो ये जो हमारी प्रोसेस है कि रिवर जो है हमारा ओरिजिनेट हो रहा है जो भी माउंटेनियस प्लेन टेरेन से और वापस में वो जाके सारे फिर वो वहां से माउंटेनियस रीजन से निकलेगा, फिर वहां से जाके वो बाइफर्केट होगा, फिर हमारी एक रिवर जो है दूसरे रिवर से कनेक्ट होती है, फिर हमारा इस तरीके से रिवर जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते होते और अंत में जाके वो कहाँ पे मिलते हैं, ओशन में, ठीक है? तो अब ये तो हमारा उसका फ्लोइंग का प्रोसेस है. अब जो हमारा रिवर है वो ना सिर्फ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कैरी करता है अपने साथ, बल्कि बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट में सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल भी जो है अपने साथ कैरी करता है, क्योंकि जब वो माउंटेन्स के थ्रू होते हुए हमारा रीजन में आएगा तो जो भी हमारे जैसे मान लीजिए माउंटेन्स हमारे आपके जो भी उसके फाइनर पार्टिकल हैं या फिर कोर्सर पार्टिकल हैं या फिर ग्रेवल्स हैं, तो ये जैसा कि हम लोगों ने देखा भी हुआ कि जो भी हमारी नदियां होती हैं उन नदियों के आसपास बहुत छोटे छोटे या बड़े बड़े फॉर्म में जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं या फिर जो हमारा पेबल्स जैसा भी होता है, फाइन सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल भी होते हैं, वो भी उनके साथ वॉश डाउन होते हुए आ जाते हैं वो, और कैचमेंट एरिया में हमारा इस तरीके से आके वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है? ये जब हमारे इस तरीके से फ्लो में आते हैं तो ये हमारे बेड सरफेस जो है, जो हमारा बैंक है उसको ये इरोड करते रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर होता ये है कि हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जो रिवर है हमारा उसके बिहेवियर को समझें, उसकी इम्पोर्टेंस को जानें, ठीक है? रिवर को हमें कैसे फ्लो कराना है, कंट्रोल कैसे करना है, कैसे हमें रिवर को ट्रेन करना है कि रिवर जो है वो हमारा स्टेबली स्टेबल पोजीशन में पूरे चैनल में जो है रिवर फ्लो हो. ये जो हमारा रिवर इंजीनियरिंग है, इस रिवर इंजीनियरिंग में हमें बेसिकली यही देखना है कि जो हमारा क्योंकि जो फ्लो होता है रिवर में, तो अगर फ्लो कंट्रोल्ड फॉर्म में नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो जैसे कि मान लीजिए अगर हाई टाइड की सिचुएशन आएगी या लो टाइड का सिचुएशन आएगा, तो ऐसे में जो हाई टाइड होगा तो वो पानी जो है हमारा अगर हम उसमें प्रॉपर एम्बैंकमेंट वगैरह नहीं देंगे, उसमें गाइड बैंक वगैरह नहीं लगाएंगे जो कि हमारे जो फीचर्स वगैरह हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो अगर हम ये सब प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हमारा पानी जो है वो इनहैबिटेटेड एरिया में भी जो है वो चला आता है. तो हमें इस चीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि जो हमारा फ्लो हो वो कंट्रोल में रहे, और रिवर को हम ट्रेन करेंगे कि ताकि वो स्टेबल कंडीशन में रहे, ठीक है, अनस्टेबल ना हो, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो बैंक्स वगैरह होते हैं, बेड्स वगैरह होते हैं, वो इरोजन होने लगता है उनमें, ठीक है, राइट? तो हमारा जो मेन इंटेंशन है रिवर इंजीनियरिंग का, रिवर ट्रेनिंग वर्क का, रिवर इंजीनियरिंग का हमारा जो मेन इंटेंशन है कि रिवर को इस तरीके से ट्रेन करना कि उनका फ्लो जो है वो स्टेबल कंडीशन में हो, ठीक है? हम लोग इसके लिए कई तरीके के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम उस रिवर के अक्रॉस में लगाते हैं. वन बाय वन हम सारे स्ट्रक्चर्स को जो है पढ़ेंगे, ठीक है?
उनका सिग्निफिकेंट क्या, उनका यूज है, कैसे यूज करते हैं उसको, उनका काम क्या है, वो किस तरीके से डैमेज करते हैं एनवायरमेंट को, ठीक है। तो ये सब जो है हम इस पूरे रिवर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर हमारा कोई बराज है, इफ अ बराज इज लोकेटेड विद इन अ रिवर, कोई रिवर है और रिवर से अटैच करके हम बराज या डैम या वियर जो भी लगा रहे हैं, तो सपोज एक बराज है जो कि हमने रिवर से जो है लोकेट किया हुआ है, रिवर के अलाइन में हमने जो है उसको लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, लोकेटेड विद इन अ रिवर, तो उसका जो लेंथ होगा, देन इट्स लेंथ मे स्पैन फ्रॉम एंड टू एंड ऑफ द रिवर बेड और कुड बी स्मॉलर, ठीक है। वो जो है हमारा, उसका जो लेंथ है वो स्मॉलर भी हो सकता है और या फिर ज्यादा भी हो सकता है। इफ द वॉटर वे इज सो कैलकुलेटेड इन द लेटर केस, वेन लेंथ ऑफ द बराज इज स्मॉलर देन द विड्थ ऑफ द रिवर, अगर रिवर का विड्थ कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, ठीक है, उसके लेंथ से। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने जो हमारा डायग्राम है उसके थ्रू, ठीक है, कि हमने उस पर कैसे रिवर ट्रेनिंग वर्क को लगाए हैं, कैसा हमने उसको फ्लड जोन में हम उसको कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं हम कहाँ पे लगाते हैं, जो हमारा एम्बैंकमेंट होता है रिवर का उसके अलॉन्ग में लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो हमारा टाइप है रिवर का, रिवर के टाइप पे आते हैं कि कितने टाइप का पहले तो रिवर होता है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बिफोर मूविंग टू द फंक्शन हम रिवर के टाइप और उनके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन है हमारा रिवर का ऑन द बेसिस ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ द बेसिन, ठीक है। जो हमारा रिवर की टोपोग्राफी है, उस टोपोग्राफी के बिहाफ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है हमारे रिवर के। तो सबसे पहला है कि अगर हमारा रिवर जो है वो हिल में है, या फिर जो रिवर है हमारा वो प्लेन एरियाज में है, ठीक है, या अलूवियल फ्लड प्लेन में है, यानी कि हिल्स पे है तो अपर रीचेज में हो गया, और अगर हमारा अगर रिवर जो है अलूवियल फ्लड प्लेन में है यानी कि लोअर रीचेज पे है, ठीक है। या फिर हमारा तीसरा जो टाइप है वो है हमारा टाइडल रिवर का, ठीक, टाइडल रिवर। तो सबसे पहला जो है हमारा रिवर इन हिल, जो अगर हमारा रिवर रिवर जो है वो हिल में है, तो हिल्स में जो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर रीचेस, ठीक है, याद रखना इसको कि जो हमारा हिल्स में रिवर है उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अपर रीचेस। अगर अलूवियल फ्लड प्लेन में है उसको क्या बोलेंगे हम, लोअर रीचेस। और थर्ड काइंड है हमारा टाइडल रिवर का। तो रिवर इन हिल का मतलब क्या हुआ, यानी कि अपर रीचेस में जो हिल है, तो नॉर्मली क्या होता है कि रिवर जो है वो जनरली जो है वो कहाँ से टेक ऑफ होता है, माउंटेन से, ठीक है, और वो हिली रीजन से फ्लो होता हुआ कि बिफोर वो आपका प्लेन में ट्रैवल्स करे, वो हिली रीजन से होते हुए वो जो हमारा रिवर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर इन हिल, ठीक है। नॉर्मली जो हमारा रिवर होता है वो, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो हमारा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जो भी हमारा माउंटेनियस प्लेन टेरियन है वहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, और अंत में वो कहाँ पे जाता है, ओशन में लगता है। ओशन का जो लेवल होता है वो सबसे नीचे होता है, ठीक है, और हिल हमारे जानते ही हम कि वो हिली रीजन में है, वो माउंटेनियस रीजन है। तो पानी जो है हमारा अल्टीमेटली, जैसा कि हम जानते हैं, नॉर्मली भी हमारा पानी जो है वो फ्लो होता है अप टू डाउन, ठीक है, तो माउंटेनियस रीजन से जब फ्लो होते हुए आता है हिली रीजन से और वापस, वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे मिलता है, वो सब रिवर एक दूसरे से मिलती है और अंत में ओशन को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा रिवर है, माउंटेनियस इन हिल, रिवर इन हिल का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा रिवर है वो जनरली कहाँ से टेक ऑफ कर रहा है, जो हमारा माउंटेनियस रीजन है उस माउंटेनियस रीजन से वो टेक ऑफ कर रहा है और हिली रीजन से फ्लो करते हुए, इससे पहले कि वो हमारा किसी ट्रावर्स किसी प्लेन सर्फेस पर ट्रावर्स करे, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर इन हिल, ठीक है। इसको दो तरीके से, इसको दो पार्ट में सब डिवाइड किया गया हुआ है, पहला है हमारा रॉकी रिवर स्टेज और थर्ड है हमारा बोल्डर रिवर स्टेज, ठीक, रॉकी रिवर स्टेज एंड बोल्डर रिवर स्टेज। तो सबसे पहले आते हैं कि हम जो हमारा रॉकी रिवर स्टेज है वो क्या है। तो रॉकी रिवर जो हमारा स्टेज है, या उनको एक और नाम है हमारा इंसाइज्ड, तो इंसाइज्ड या रॉकी रिवर स्टेज है। इसमें रॉकी स्टेज में क्या होता है कि इस टाइप में जो हमारा फ्लो है चैनल में, वो जनरली जो है वो कैसे होता है, डिग्रेडेशन की वजह से होता है, ठीक है।
तो सेडिमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक। पहले जो हमारा रॉकी स्टेज में फ्लो जो है वो कहाँ से हो रहा है, जनरली ये जो हमारा इस टाइप का जो फ्लो हो रहा है चैनल में, वो जनरली किससे फॉर्म होता है, जो हमारा प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन है उस डिग्रेडेशन के प्रोसेस की वजह से हमारा रॉकी स्टेज फॉर्म होता है, ठीक है। जो हमारे सेडिमेंट हैं वो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं इस रीजन में, ठीक है। सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक। और ये जो हमारे सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हुए हैं वो डिफरेंट फ्रॉम दी रबर बेड मटेरियल। सो होता क्या है कि यहाँ पर हमारी सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है या फिर इनंडेशन की जो प्रॉब्लम है वो होने लगती है, ठीक है। तो डिनंडेशन होने लगता है, और जो हमारे नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं वो उनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। जो हमारा नॉर्मली जैसे मान लीजिए कि एक जगह से दूसरे रीजन में हमारा जो भी रिवर का जो पानी है माउंटेनियस रीजन से वो एक रीजन में आया, फिर वो दूसरे रीजन में ट्रांसफर होगा, तो हर जगह की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो थोड़ी अलग होगी, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होके आता है इसमें वो नॉर्मली डिफरेंट होता है, ठीक है। नॉर्मली जो वहां का बेड मटेरियल है उससे वो डिफरेंट होता है। तो सिंस मोस्ट ऑफ इट जो है वो कम फ्रॉम द कैचमेंट, मोस्ट ऑफ इट जो है वो कम फ्रॉम द कैचमेंट ड्यू टू सॉइल इरोजन और ड्यू टू डिनंडेशन की वजह से ये आपके पार्टिकल्स जो है वो ट्रैवल होके आते हैं, ठीक है। ये जो हमारा रिवर रीचेज होता है रॉकी स्टेज का, ये हमारा बहुत ज्यादा स्टीप होता है, ठीक है, बहुत ही स्टीप होता है, और इनका फ्लो जो है वो बहुत ही थोड़ा सा शिफ्ट फॉर्म में होता है, ठीक। तो स्टीप होने की वजह से जो हमारा डिग्रेडेशन है वो भी हमारा इसी वजह से ज्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो जो इसमें रॉकी स्टेज में जो हमारा बेड और बैंक जो होते हैं इस काइंड ऑफ रिवर के, वो जो होते हैं वो लेस ससेप्टेबल टू इरोजन होते हैं, ठीक है। वो लेस ससेप्टेबल होते हैं हमारे इरोजन के, ठीक। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन किसका था, रॉकी स्टेज का, ठीक है। क्योंकि हमारे जो आपके ठीक है, तो इस तरीके का जो हमारा रिवर आ रहा है रॉकी स्टेज का, ठीक है। सेकंड जो हमारा स्टेज है रिवर इन हिल का, जो सेकंड सब डिवीजन है वो है हमारा क्या, बोल्डर रिवर स्टेज, ठीक है। तो जो हमारा बोल्डर रिवर स्टेज है इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिवर बेड है इसमें उसमें क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ बोल्डर ग्रेविल और अलूवियल्स के जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं। तो इस तरीके के अगर आप बोल्डर रिवर स्टेज देखोगे तो जो रिवर बेड होगा उसमें एक मिक्सचर होता है हमारा डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राउंड फॉर्मेशंस, ठीक है। लाइक आपका बोल्डर हो गया, ग्रेवल हो गया, या फिर अलूवियल सैंड्स जो होते हैं वो सब डिपॉजिटेड होते हैं और क्रिएटेड बाय इट्स हिल, ठीक है। वो सब जो है वो इकट्ठे जो है वो डिपॉजिटेड होते हैं, मिक्सचर होता है उनका, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द फ्लड क्या होता है कि जो हमारे बोल्डर और ग्रेवल है ये क्या होते हैं कि ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं जो हमारा डाउन स्ट्रीम सेक्शन होता है, ठीक है। तो फ्लड के टाइम में जो हमारा बोल्डर या ग्रेवल है वो ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चला जाता है, हमारा डाउन स्ट्रीम सेक्शन पे, ठीक है। बट जैसे ही हमारा फ्लड जो है वो सबसाइड्स होता है तो मटेरियल जो है वहां पर इकट्ठा हो जाती है और कैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डिपॉजिट होके हीप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आप ऐसे समझो कि क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बोल्डर स्टेज है उस बोल्डर स्टेज में हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ जो है मटेरियल्स जो होते हैं वो एक साथ होते हैं, मिक्सचर होते हैं, उसमें हमारा बोल्डर भी है, ग्रेवल भी है, सैंड भी है, सब कुछ है, ठीक है। और फ्लड का जब टाइम आता है तो अब जब फ्लड में आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी आएगा तो ये बोल्डर और आपके जो ग्रेवल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होके वो कहाँ चले जाते हैं, जो उनका डाउन स्ट्रीम सेक्शन होता है उस डाउन स्ट्रीम सेक्शन पे जाएंगे। और जब फ्लड आपका सबसाइड्स होगा, फ्लड जब है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा या फिर खत्म होने लगेगा, तो हमें क्या दिखेगा कि एक डिपोजिशन दिखता है इन मटेरियल्स का। ये मटेरियल्स होते हैं वो वहीं पर जो इनका डाउन स्ट्रीम सेक्शन होता है वहां पर जाके ये क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। और डिपॉजिट होने के बाद ये क्या कर लेते हैं, एक हीप जैसा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना, हीप मतलब होता है आपका कोई ढेर बना लेना, ठीक है। तो एक तरीके से हीप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक। तो ऐसा क्या होता है कि जो हमारा, अब क्योंकि हीप बन गया वहां पे, तो जो हमारा वाटर है वो हमारा
अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। वाटर जो है हमारा, अगर उसको मूव करे, वाटर अगर उसके थ्रू फ्लो भी हो रहा है, तो ये जो हमारा हीप बना होता है, जो हमारा हीप बन चुका है, जो बोल्डर्स का, ग्रेवल्स का, तो ये जो होते हैं मतलब इतने लाइट नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपके थोड़े से मतलब जो है हैवी होते हैं। तो जो हमारा पानी होता है वो इसको इतना सफिशिएंटली वो फ्लो नहीं कर पाता है कि इसको जो है वो हटा सके, तो वो अनेबल होता है कि वो फ्लो के जो हीप ऑलरेडी जो बन चुका है डाउनस्ट्रीम सेक्शन पे उसको शिफ्ट कर सके। तो ये क्या करते हैं, उसके अराउंड बहना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जो उस दौरान हमारा क्या होता है कि जो पूरे चैनल का सेक्शन होता है वो जिस हमारे जिस एक्सिस में उसको बहना था, जिस लेंथ को फॉलो करना था, वो लेंथ से वो एक नया डायरेक्शन बना लेता है, ठीक है। जिसको जिससे फिर क्या होता है कि हमारा जो बेड का विड्थ होता है, वो विड्थ जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब उनकी वाइडनिंग हो जाती है, राइट। एक बार फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे क्या होता है कि हमारा जो भी बोल्डर रिवर स्टेज में होता क्या है कि क्योंकि मिक्सचर ऑफ हमारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल होते हैं, मिक्सचर ऑफ आपका बोल्डर है, ग्रेवल है, अलूवियल सैंड है, ये सब के सब जो है वो एक साथ इकट्ठा हो गए, ठीक है, डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक। अब फ्लड के सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारे बोल्डर और ग्रेवल है ये सब मूव होके कहाँ पे आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होके हमारे डाउनस्ट्रीम सेक्शन पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमारा फ्लो सबसाइड होगा, फ्लड हमारा सबसाइड होगा, वैसे क्या होगा कि ये मटेरियल जो है वो हमारे एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं और वहां पर एक हीप जैसा एक ढेर बना लेते हैं, ठीक है। अब जब वाटर उसमें फ्लो होता है तो वो क्या करता है कि इसको इतना फ्लो नहीं होता उसका कि वो इस हीप को जो है वो दरकिनार कर सके, उसको किनारे कर सके या उसको डिस्टर्ब कर सके। तो अब क्योंकि वो उस हीप को हटा नहीं पाता है, उसको शिफ्ट करने में इतना उसके पास मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको शिफ्ट कर सके, तो क्या होता है कि अब वो उस रास्ते तो बह नहीं सकता, तो वाटर जो है वो अपना उसके अराउंड बहना शुरू हो जाता है, मतलब उसमें से ना जाके उसके साइड से जाना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब वो क्योंकि उसके अराउंड होने लग जाने लगता है, तो मतलब एक तरीके से वो नया डायरेक्शन ही बना लेता है। तो जब वो नया डायरेक्शन बना लेता है तो बैंक को अटैक करेगा, और जब बैंक को अटैक करेगा तो फिर हमारा जो विड्थ है, हमारे पूरे सेक्शन की जो विड्थ है, हमारे पूरे रबर का जो विड्थ है, वो हमारा क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये तो रहा हमारा जो रिवर हमारा हिल में होता है उनकी कहानी। अब जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा रिवर इन अलूवियल फ्लड प्लेन, ठीक है। तो अगर हमारा फ्लड प्लेन में हमारा अगर रिवर है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है इस टाइप के रिवर का, वो ऐसा होता है कि प्लेन में होने की वजह से इनका जो नेचर ऑफ फ्लो होता है वो जिगजैग टाइप का होता है, ठीक है। ये जिगजैग फैशन में मूव करते हैं, जिगजैग फैशन में इनका फ्लो होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिंडरिंग, ठीक है, मिंडरिंग बोलते हैं, ठीक। तो ये जो मिंडरिंग होती है इनकी, क्योंकि जिगजैग फैशन में फ्लो करते हैं, तो मिंडरिंग जो है वो कहाँ होती है, फ्रीली मूव करता है पानी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, और वो क्या करते हैं अपने साथ जो भी सिल्ट सेडिमेंट के पार्टिकल होते हैं उसको कैरी करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा बिल्कुल जो बेड मटीरियल होता है उससे सिमिलर होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे फ्लड प्लेन एरियाज में मूव कर रहा है। जबकि इसके पहले जो हम लोग हिली वाला पढ़ रहे थे, रिवर इन हिल, उसमें क्या था, हमारा बेड मटेरियल से डिफरेंट हो जा रहा था, ठीक है, क्योंकि वो एक रीजन से दूसरे रीजन में आते हैं, ठीक। तो अब इसमें क्या है कि क्योंकि मिंडरिंग फॉर्म में ये अपना फ्लो कर रहे हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक तक जा रहे हैं, अपने साथ सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल्स को कैरी भी कर रहे हैं, तो जो मटीरियल होता है हमारा वो कॉन्स्टेंटली जो है वो इरोड होता है, ठीक है, फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द बेड एंड आउटर, जो उसका बेड का आउटर एज होता है वहां पे ये जो है जो जैसे मिंडरिंग जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, मिंडरिंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। तो इसका एक आउटर सेक्शन होगा, एक इनर सेक्शन होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका ये सेक्शन, तो आउटर इनर सेक्शन, ठीक है। तो जो हमारे मटीरियल है वो मटीरियल हमारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली इरोडेड होते रहते हैं, और फ्रॉम द आउटर एज, और क्या होते हैं जाके आउटर एज पे, क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए आपका फ्लो है,
फ्लो अगर ऐसे आ रहा है, नॉर्मली जो है फ्लो को सीधा आना चाहिए, सीधा आएगा, लेकिन क्या होगा कि क्योंकि मेंडरिंग है यहाँ पे, तो फ्लो जो है वो जाके यहाँ पे टकराएगा, ठीक है। यहाँ पे टकराने की वजह से जब फ्लो जो है हमारा बार बार हमारे सेक्शन को जो है उस पर हिट करेगा आउटर एज पे, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि हिट करने की वजह से स्काउरिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, और वो क्या होता है कॉन्स्टेंटली इरोड होना शुरू हो जाता है, उसमें इरोजन की प्रॉब्लम आने लगती है कंटिन्यूसली, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो आउटर एज होते हैं वहां पर हमें ये देखने को मिलता है, और जो हमारे इनर एजेस होते हैं इनर एजेस पे फ्लो जो है वो इतना धीमे होता है कि वहां पे हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं। मतलब कि हमें यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, चाहे तो वो हमारा आउटर एज होगा तो वहां पर फ्लो आने की वजह से वहां पर इरोजन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, और जो हमारा इनर एज होगा उस इनर एज में फ्लो धीमे होने की वजह से वहां पर डिपोजिशन होने लगता है, जो हमारे मटेरियल होते हैं उनका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सक्सेसिव बेंड हो रहा है यहाँ पर, फिर आपका सेकंड यहाँ पर, फिर थर्ड यहाँ पर, आपको उस तरीके से सक्सेसिव बेंड दिखेगा, मतलब एक एस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। इसमें बहुत क्लियरली नहीं बन पा रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे कुछ एस जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और इधर से भी आप ऐसे ही बना लो, इस तरीके का मेंडर करता है। तो अगर हम ये एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लें और ये एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लें, तो यही जो हमें सक्सेसिवली ऐसे ही बनता रहता है हमारा पूरा स्ट्रक्चर, इसी को हम मेंडरिंग बोलते हैं, ठीक है। और हमारा एक्सेस ऑफ फ्लो कैसा होता है, एक्सेस ऑफ फ्लो सेंटर से होता है एक्सेस ऑफ फ्लो, ठीक। अब यही फ्लो जब हमारा इसको हिट करेगा, ये जो हमारा आउटर है इसको हिट करेगा, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि इरोजन होने लगता है, और जो ये हमारा पॉइंट है यहाँ पर, ये जो है हमारा ये एरिया हमारा इनर एज है, यहाँ पर फ्लो जो है वो मतलब आप कह सकते हैं कि ये फ्लो जो है यहाँ पर हमारा बहुत आसानी से पहुंच नहीं पाता है, तो यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिपोजिशन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, स्काउरिंग हो गई। ये दोनों ही जो सिचुएशन है वो अनवांटेड सिचुएशन है, ठीक है। ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि कहीं पर भी स्काउरिंग की प्रॉब्लम हो या फिर कहीं पर भी डिपोजिशन की प्रॉब्लम हो। तो मेंडरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि मटेरियल या तो हमारे इरोड हो जाते हैं, कॉन्स्टेंटली इरोड होते रहते हैं आउटर एज से, और या तो फिर इनर एज पे हमारे कॉन्स्टेंटली डिपॉजिट होते रहते हैं, ठीक। और ऐसा हर सक्सेसिव बेंड पे जो है हमारा इसी तरीके का मतलब ऐसा ही हमको व्यू जो है मिलता है, ठीक है। तो जो हमारे फ्लड प्लेन है, जो अभी जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने जो आपका रिवर इन हिल देखा था, उसमें हमने क्या रॉकी स्टेज पढ़ा और बोल्डर स्टेज पढ़ा, तो रिवर इन अलूवियल फ्लड प्लेन में हम क्या पढ़ेंगे, इनके जो फ्लड प्लेन है इनको भी क्लासिफाई किया गया है, और उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, अग्रेडिंग, डिग्रेडिंग, स्टेबल, ब्रेडेड और डेल्टाई, इन छह पार्ट में आपके जो फ्लड प्लेन के रिवर हैं उनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अग्रेडिंग, डिग्रेडिंग, स्टेबल, ब्रेडेड और डेल्टाई, ठीक है। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे, ये तो है, इसके बारे में हमें वन बाय वन जो है वो पढ़ना है, लेकिन उसके पहले जो है हम जो हमारा अलूवियल फ्लड प्लेन है उसके पहले हम पढ़ेंगे आपका, नहीं हम लोग इसी को देख लेते हैं जो अग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर है। अग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर में देखिए, अग्रेड और डिग्रेड, इसका मतलब तो नॉर्मली हम लोग जानते ही हैं कि अग्रेड का मतलब ये होता है कि बढ़ना, और डिग्रेड मतलब क्या होता है हमारा घटना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अग्रेडिंग का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा बेड है, सरफेस है, और ये जो है वो हमारा स्लोप है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल बेड स्लोप है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल बेड स्लोप है, ठीक, ओरिजिनल बेड स्लोप है। और हमने देखा कि कुछ टाइम के बाद ये जो हमारा यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर बना वो इस तरीके का बन गया। अब ये प्रोसेस कैसे ये अग्रेड हुआ ये मैं देखती हूँ। अग्रेड होने का मतलब होता है आपका बढ़ना, ठीक है, यानी यहाँ पर जो बढ़ रहा है वो जो है हमारा क्या चीज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, बेड स्लोप, ठीक है, बेड स्लोप। अब देखना है क्योंकि जैसे मान लीजिए ये हमारा ओरिजिनल बेड स्लोप था, इनिशियली ये जो था हमारा ये ओरिजिनल बेड स्लोप था, लेकिन फाइनल बेड स्लोप हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फाइनल बेड स्लोप बना है हमारा वो थोड़ा सा कुछ हमारा ऊपर बन गया है, ठीक है।
तो आखिर ये जो हमारी सिचुएशन है ओरिजिनल बेड स्लोप की और फाइनल बेड स्लोप की, ये सिचुएशन कैसे आई? तो जो हमारे सिल्ट के पार्टिकल हैं वो यहाँ पर, हमने देखा कि ओरिजिनल जो बेड स्लोप था हमारा उस पर सिल्ट के पार्टिकल जो थे वो डिपॉजिट हो गए, और उनके डिपोजिशन की वजह से क्या हुआ है, हमारा एक सरफेस जो है वो बन गया है जिसको हम बोलते हैं क्या, फाइनल बेड स्लोप इन रिवर। तो सिल्टेशन की वजह से सिल्ट के पार्टिकल जो थे वो हमारे ओरिजिनली बेड स्लोप पे इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने की वजह से एक नई लेयर बन गई, कई सारे हमारे जो पार्टिकल यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो सेटल डाउन होने की वजह से हमारा जो स्लोप था वो कुछ उठ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल बेड स्लोप ऑफ द रिवर। तो इनिशियली जो हमारा ओरिजिनल बेड स्लोप था वो थोड़ा नीचे था, और जो फाइनल बेड स्लोप आया है हमारा वो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इतने पोर्शन का अग्रेडेशन हुआ है, मतलब इतने पोर्शन की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो अग्रेडिंग जो रिवर होता है हमारा, मतलब उसका जो बेड स्लोप होता है वो हमारा फाइनल बेड स्लोप कुछ ऊंचा होता है इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल बेड स्लोप, ठीक है। ये जो हमारे अग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर होते हैं उनका एक और नाम है जिनको हम क्या बोलते हैं, सिल्टिंग रिवर, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सिल्टिंग रिवर। और इस तरीके के रिवर में क्या होता है, हमारा जो बेड स्लोप है वो इंक्रीज होता है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि अग्रेडिंग का मतलब ही इंक्रीज होना है। तो बेड स्लोप जो है वो हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, किसकी वजह से, सिल्टेशन की वजह से, सिल्टिंग की वजह से, इसी वजह से इसको सिल्टिंग रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे स्लोप था वो बिल्ट हो गया अप की तरफ, ठीक है। तो ये जो हमारा सिल्टेशन की प्रोसेस हो रही है, अब बात ये आती है कि चलो सिल्टेशन की वजह से इनका अगर मतलब इसका सरफेस अगर ऊपर हो भी गया तो चलिए ठीक है, मतलब हमें ये बात समझ में आती है कि हमारा ओरिजिनल बेड स्लोप जो था वो नीचे था और जो हमारा फाइनल बेड स्लोप है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है, ठीक है। लेकिन अब बात क्या आती है, और ये हुई है हमारी किसकी वजह से, सिल्टिंग की वजह से, ये भी हमने देखा, ठीक। सिल्ट के पार्टिकल जो थे वो हमारे जमा हो गए, तो हमने फाइनली जो बेड स्लोप देखा वो हमें कुछ हाइट पे मिला, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि सिल्टिंग जो है वो क्यों हो रही है, क्या रीजन है हमारे सिल्टिंग होने का। तो अगर हमारा हैवी सेडिमेंट लोड है, तो हैवी सेडिमेंट लोड रहेगा अगर रिवर पे, तो फिर सिल्टिंग की प्रोसेस होगी, सिल्टेशन होगा, सिल्ट के पार्टिकल्स जो है वो हमारे जमा हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। या फिर जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, अगर डैम या वियर का कंस्ट्रक्शन किया है तो भी हमारा अग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर होगा, ठीक है। या फिर सडनली जैसे मान लीजिए हमने कोई ट्रिब्यूटरी वगैरह बना दी है, ठीक है, तो अगर सडन अगर हमने कोई इंट्रूशन ऑफ अगर सेडिमेंट किया है फ्रॉम अ ट्रिब्यूटरी, तो फिर ये भी जो हो जाएगा हमारा अग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर हो जाएगा, ठीक है। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेडिमेंट लोड है, अगर सेडिमेंट लोड को हम बढ़ाते रहेंगे, सेडिमेंट लोड अगर ज़्यादा होगा या फिर किसी तरीके किसी वजह से सिल्टिंग हो रही है कंस्टेंटली उस रिवर में और उसके बेड स्लोप में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो जो होगा हमारा क्या होगा, अग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो बेड स्लोप में चेंज आ रहा है वो जो है वो हाई हो, मतलब अप ऊपर की तरफ उसका चेंज आए, तो वो हमारा फाइनल जो बेड स्लोप होगा वो इंक्रीज होगा इन कंपैरिजन टू जो हमारा ओरिजिनल बेड स्लोप होगा, ठीक है। तो ये जो था हमारा अग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर था, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं डिग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर में। तो डिग्रेड का मतलब क्या होता है, डिग्रेड का मतलब होता है कि हमारा डिग्रेडेशन होना, मतलब कम होना है। तो अभी इसके पहले हमने अग्रेडिंग पढ़ा, तो उसमें क्या पढ़ा था कि ओरिजिनल बेड स्लोप से ऊपर की तरफ अगर बढ़ेगा, फाइनल बेड स्लोप ऊपर होगा तो हमारा अग्रेडेशन होगा। लेकिन अगर यही फाइनल बेड स्लोप नीचे हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा डिग्रेडेशन हो जाएगा, कम हो जाएगा इसका। अब ये डिग्रेडेशन किस वजह से हो सकता है, क्योंकि अगर सिल्टिंग हुई, सिल्ट के पार्टिकल जमा हुए हैं तो फिर हमारा डिग्रेडेशन होगा। लेकिन अगर यही सिल्ट के पार्टिकल जमा ना हो, वो कम हो जाए, ठीक है, अगर वो कम हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होगा, सिल्ट के पार्टिकल मतलब जमा ही ना हो, जो हमारा ओरिजिनल बेड स्लोप है उस ओरिजिनल बेड स्लोप से हमारे सिल्ट के पार्टिकल जो है वो मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि वो उसको रिमूव हो जाए वहां से, ठीक है, वो वहां से हट जाए, तो हमारा जो फाइनल बेड स्लोप होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा ओरिजिनल वाले से। तो अगर वो नीचे की तरफ कब आएगा, जब वहां पर स्काउरिंग होगा, ठीक है, और स्काउरिंग कब होगा, जब हमारा फ्लो जो है वो आके हिट करता रहेगा, कंस्टेंटली हिट करता रहेगा, ठीक है,
तो हिट करने की वजह से वहां का सरफेस जो है वो इरोड हो जाएगा, वहां पर स्काउरिंग क्रिएट हो जाएगी, तो जो वहां का ओरिजिनल बेड स्लोप था वो घट के कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो घट के हमारा कम हो जाएगा तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक डायग्राम बना देते हैं कि ये जो है हमारा सपोज ये है, और यहाँ पर ये जो है वो हमारा ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला जो सरफेस है हमारा, ये था हमारा ओरिजिनल बेड स्लोप, ओरिजिनल बेड स्लोप, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल बेड स्लोप है, ठीक, रिवर का। अब क्या हुआ कि यहाँ पर, यहां से इस सरफेस पे जब फ्लो होना शुरू हुआ तो यहाँ पर क्या हुई, स्काउरिंग होने लगी, और स्काउरिंग होके जो हमारा फाइनली सरफेस बचा है स्काउरिंग के बाद, तो स्काउरिंग के बाद जो हमारा सरफेस रहा वो ये हो गया, ठीक है। तो स्काउरिंग के बाद अगर ये सरफेस हो गया है तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल बेड स्लोप, ठीक है, ये फाइनल बेड स्लोप हो गया, ठीक। यानी कि जो हमारा स्लोप है वो क्या हो गया, डिग्रेड होके नीचे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो हमारे रिवर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, डिग्रेडिंग रिवर, ठीक है। यानी कि अगर जो हमारा रिवर का बेड है, जो ओरिजिनल बेड स्लोप है, वो हमारा कॉन्स्टेंटली क्या हो, स्काउरिंग होता जाए, ठीक है, और वहां से जो हमारा एक्सेस लैंड स्लोप हो वो रिड्यूस होता चला जाए, तो फिर ऐसे टाइप के रिवर को हम क्या बोलेंगे, डिग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर, ठीक है। तो ये जो हमारा सेक्शन था, अभी तो इंट्रोडक्टरी पार्टी है, अभी ये हमारा इंट्रोडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हम पहले रिवर के बारे में पढ़ेंगे, रिवर के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और तब उसके बाद जो है हम इसके रिवर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हमें रिवर इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो रिवर इंजीनियरिंग को कवर करने के लिए सबसे पहले हम उसके नेचर, उसके बिहेवियर, उसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे, तभी हम रिवर इंजीनियरिंग में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे क्लोज करते हैं, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा क्लासिफिकेशन है अभी वो ओवर नहीं हुआ है, अभी और कुछ क्लासिफिकेशंस बाकी हैं, जब वो क्लासिफिकेशन हो जाएगा तब हम रिवर ट्रेनिंग वर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके देन, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, सो थैंक यू फॉर दिस।